नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज उसी स्थान पर बैठा हूं जहां की कहानी आपको बताने वाला हूं। ये 2014 के आसपास की कथा है, जब मैं शुरू तंत्र में खुद को प्रकांड मानने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि तंत्र में मैं अब प्रकांड होता जा रहा हूं। तो उस समय बहुत सारे मौलवियों से मिलना, तांत्रिकों से मिलना मेरा होता रहता था। मैंने आप लोगों को पहले भी वो कहानी बताई थी जहां पर एक बहुत ही प्रख्यात तांत्रिक से मैं मिला था, मौलवी से मिला था, और उनसे मैंने पूछा था कि जिनका आपने अंतिम केस कब देखा है। 2015 में उन्होंने बताया था कि 92 में, लेकिन उनके घर भीड़ लगा रहता था। तो इसी प्रयोजन में कि जो मैं तंत्र कर रहा हूँ, जो मैं भूत प्रेत को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्या ये सही है कि नहीं, मैं अलग अलग तांत्रिकों के पास जाता था। उसी में एक विश्व प्रख्यात तांत्रिक के पास मैं पहुंचा। काफी यंग एनर्जेटिक थे और काफी उनसे जुड़ा, काफी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने फिर बताया कि बहुत सारे ऐसे मजार होते हैं जहां पर जल में होम्योपैथिक दवाइयां मिला देते हैं, और एक किताब मुझे दिखाया, बोला कि मैं भी इसका प्रयोग करता हूं, आप भी किया कीजिए। क्योंकि जो मानसिक रोगी आते हैं, उनको अगर आप बोल देंगे कि वो मानसिक रोगी हैं, तो वो बुरा मान जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए सही ये रहता है कि हम उनको उन्हीं के बिलीफ सिस्टम में जा करके ठीक करें। मैंने उनसे पूछा, ये तो ठीक है, परंतु जब असली केस आएगा क्या? तो उन्होंने बोला, असली केस आएगा तो मालिक बचाएंगे। फिर एक दिन उनका हमारे पास फोन आया कि आप फ्री हैं क्या? मैंने बोला, फ्री तो हूँ, क्या विषय है? तो बोला कि एक हमारे यहाँ एक केस है जो अब हम लोगों से नहीं संभल रहा है। मैंने बोला, ऐसा क्या हुआ? बोला कि एक महिला आई है जिसमें मल्टीपल पजेशन है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे आत्मा समाहित हैं, आप रहिएगा तो इसको हम लोग निराकरण कर पाएंगे। मैं तो खुशी खुशी मैं दौड़ गया कि मल्टीपल पजेशन का एक केस मुझे देखने को मिलेगा आज। वहां गया तो स्थिति बहुत भारी थी। एक लड़की थी और उसको 6-7 लोग पकड़कर बैठे थे, हाथ को पैर को, और वो उनके सहारे दीवार पर चढ़ने लगती थी। तो अगर साइंटिफिकली देखें तो ये संभव है, क्योंकि उसको दोनों कंधे पर सपोर्ट था, लेकिन इतने लोग मिलकर के भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। उस समय मैं साधना करता था, मैं तांत्रोक्तर विधियां करता था, और मुझे ये पता रहता था कि किस स्थिति में किस तंत्रोक्तर विधि का प्रयोग करना है। लेकिन प्रयोग कर क्या मुझे हासिल हुआ, कैसे मेरा तंत्र काम कर रहा है, उस समय तक इतना ज्ञान मुझे नहीं था। तो जो मेरे पास मंत्र थे, जो अभिचारिक प्रयोग मैं जानता था, उसको करके उस लड़की को हम लोगों ने मिलकर शांत कर दिया, और फिर हम दोनों की मित्रता बहुत अच्छी हो गई। जो मूलभूत रूप से ये समझ में आया कि वो ये मानते थे कि ये जितने भी पजेशन के केस आते हैं वो सारे मानसिक रोगी होते हैं, और बहुत मुश्किल होता है असली केस को पकड़ पाना, मतलब मिलना। जब हमने भी पढ़ाई की थी तो हम लोग भी यही समझते थे कि असली केस मिलना नामुमकिन होता है। 99 में शायद 100 में 99 केस फेक, एक केस असली हो। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में तो बोला जाता है जिसको जीवन में एक डेमोनिक पोजीशन का केस मिल गया, उसका पूरा रिसर्च का जीवन सफल हो जाता है, मतलब जिन जिन नाथ का केस। तो ऐसे ही कहानियां चलती रहीं, बहुत सारे केसेस हमने देखा। एक पर उन्होंने बड़ा हड़बड़ी में मुझे फ़ोन किया, और उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि मुझे लग रहा है मैं इस बार फंस गया हूँ,
मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं तो बुलंद तांत्रिक था उस समय। मैंने बोला आ जाओ, देखते हैं क्या विषय है। जब वो आए तो उन्होंने बताया कि वो किसी के घर पर गए थे, किसी प्रॉपर्टी पे गए थे, और उस प्रॉपर्टी पर जो मकान मालिक है, जब से उसने वहाँ पर घर बनाया, उसका नाश हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। और उस चीज़ को वो देखने गया था तो उसे ये समझ में आया कि वहाँ किसी महिला का हत्या हुआ है, कोई रूह है, कोई अननेचुरल डेथ का मामला है। तो मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया कि आपको तो वहीं पे हवन करके इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए था। उन्होंने बोला इतना भी आसान नहीं है सारा विषय। उन्होंने आगे बताया कि जिस समय से उन्होंने ये केस देखा है, वो महिला इनके पीछे पीछे घूम रही है। तो मुझे थोड़ा लगा कि अब इनमें भटकाव आ रहा है, और उन्होंने मुझे बस बोल दिया कि आप यहाँ से मुझे संभाल लो। तो मेरा क्या कर्तव्य था, खुद को बड़ा तांत्रिक मानता था मैं। मैंने बोल दिया ठीक है, आप निश्चिंत रहो, जो भी होगा मैं देख लूँगा। और वो अपना चाय नाश्ता करके बड़े खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। मुझे भी लगा कि चलो इनको मानसिक शांति मिली, ऐसा कुछ होता तो है नहीं। लेकिन मामला पलट गया। उसके बाद जो हुआ मेरे साथ, वो मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर रखा था। मैं एक साधक का जो सच्चा जिंदगी है उसको जीता था। सुबह उठा, आंख खोलने से पहले 108 बार पंचांगुली की साधना की, फिर सद्योजात को याद किया, फिर पृथ्वी माता को याद किया, गायत्री किया, सूर्य नारायण किया, ध्यान पर बैठ गया, मानस पूजा किया, और रात में जो अपने अघोर की साधनाएं हैं वो करता था। तो इतना मैं श्योर था कि मेरे आसपास कोई आत्मा भटक भी नहीं सकती है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। क्या हुआ मेरे साथ, मैं इस स्थान पर, यहाँ पर मैं अपना ध्यान पूजा सब करता हूँ। जब मैं यहाँ पर बैठा तो मैंने अपना एक घेराबंदी किया। घेराबंदी कहाँ नहीं करते हैं, जहाँ आपका धुना होता है, जहाँ गुरु विराजे हों। तो ये एक अलग सा कमरा मैंने ध्यान के लिए बना रखा है, तो यहाँ मैंने घेराबंदी किया और ध्यान पर बैठ गया। जैसे जो ध्यान का आप लोगों को तरीका बताया, उसी विधान से मैं भी बैठ गया ध्यान करने। ध्यान करते करते मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे घेरे के बाहर कोई खड़ा है। मुझे लगा कि कोई परिवार वाला शायद आके खड़ा हो, किसी को कोई विषय हो। हालांकि घर वाले ये जानते थे कि ध्यान के वक्त मुझे किसी भी तरीके का इंटरवेंशन पसंद नहीं है। फिर भी मैंने धीरे धीरे अपने पांचों इंद्रियों को खोला और फिर आंख खोल कर देखा तो सामने कोई नहीं था। फिर आंख बंद किया, फिर ध्यान करने लगा तो फिर आभास हो कि सामने कोई खड़ा है। तो फिर मैंने आवाहन किया। ये मेटाफिजिकल तरीका है, किसी भी अगर कोई शक्ति हो उसको आवाहन किया जाता है कि अगर तुम हो, तुम्हें मुझसे कुछ कार्य है, तो तुम मुझे साक्षात दिखो। तो अगली बार जब मैंने आग बंद किया तो मुझे साक्षात समझ में आया कि सामने एक महिला खड़ी है, और देखने से वो महिला कोई बहुत एग्रेसिव आत्मा की तरह नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे हानि पहुंचाने के दृष्टिकोण से वहां खड़ी है, लेकिन वो खड़ी थी और वो निरंतर खड़ी थी। मैंने अपना जो दायरा है बंधन का बढ़ाया, तो जितना दूर मैं बंधन करता था वो उतने दूर तक दूर हट जाती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घर में मेरे बंधन किया हुआ था, मुझे नहीं लगता था कि कोई भी प्रवेश मेरे घर में हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा तो डरने वाला विषय था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था क्या हो रहा है। दूसरे दिन फिर मैं जब ध्यान में बैठा तो इस बार वो एक नहीं, वो दो थे। एक औरत थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था। विषय अब डरने की हो गई थी।
क्योंकि एक तो आपका बंधन खुल चुका है, ठीक है। आप जब ध्यान करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती है और फिर उससे उसका आप संचार करते हैं, उसी से आप हीलिंग करते हैं, उसी से आप अपने आसपास के लोगों का जो है उद्धार करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में दो आत्माएं मेरे सामने खड़ी हैं, मेरी सारी शक्तियों को चैलेंज करते हुए दो आत्माएं मेरे सामने खड़ी हैं, और वो थी, मुझे पहले लगा कि कहीं ये मेरा नोशन तो नहीं है कि मेरे आसपास कोई खड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो थे मेरे पास। मैंने उस तांत्रिक को फोन लगाया, मैंने पूछा कि क्या विषय था, तो उन्होंने बताया कि ऐसी जानकारी है कि जिस जमीन पर वो घर बनना था उस जमीन पर कोई महिला रहती थी और उसकी हत्या करके उस जमीन को जो भी जमीन दलाल था उन लोगों ने मैनेज किया था। हत्या की कुत्थी नहीं सुलझी थी, उसको गायब माना जा रहा था। और मैंने पूछा फिर वो जो बच्चा था उसका क्या, एक इस तरीके का दिखने वाला बच्चा मुझे दिख रहा है। उन्होंने बोला ऐसा कोई भी बच्चा इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब आपको कोई और दिख रहा है। अब विषय और गंभीर हो रहा था। एक जगह तो मुझे लगा कि उस तांत्रिक ने कुछ कर दिया है, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं था। दूसरी जगह उनका कहना था कि ये जो बच्चा है वो उनके केस से रिलेटेड नहीं है। उस समय मैंने और कोई दूसरा केस नहीं देखा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये अति शक्तिशाली आत्माएं आ कहां से रही और क्यों आ रही हैं। और नींद पर मेरा बहुत विचित्र प्रभाव पड़ा। जब मैं सोता था रात में साधना करके, तो ऐसे तो मेरे साथ होता रहता है कि कोई मुझे उठा के बोले मुझे यहाँ सोना है, तुम कहीं और जाओ, लेकिन नींद में सपने में मुझे ऐसा दिखता था कि मैं बहुत सारी आत्माओं से घिर चुका हूं। जब आप बिल्कुल एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाए जहां पर आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा में हैं और अचानक ईश्वर आपको पृथ्वी पर धकेल दे, तो क्या करोगे? गुरु की शरण। मैं भी फिर गुरु की शरण में चला गया, गुरु के पास गया। उस समय मैं कपालिक साधनाएं करता था, हमारे कपालिक गुरुजी हुआ करते थे। उनको मैंने सारी अपनी व्यथा बताई कि गुरुदेव ऐसा है कि जब क्रिया योग साधना करने बैठता हूँ, जब ध्यान करने बैठता हूँ, तो ये एक औरत है, ये पहले दिन आई थी और ये घेरे तक आ जाती है, ये बहुत डरावने वाली बात है। दूसरे दिन फिर ये एक बालक भी इसके साथ आ गया और ये दोनों रोज आ रहे हैं आजकल मेरे पास। अब नींद में भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आत्माओं ने घेर रखा है, मेरे सारे बंधन सारे ताबीज यहाँ पर फेल हो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? फिर गुरुजी ने हंसा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस पूछा कि तो आज हम लोग कारण लेंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल गुरुदेव कारण लेंगे। बात हुई, फिर हम श्मशान गए, कारण वारण लिया, कुछ क्रियाएं की, और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि जब आप सिद्ध होते हैं, जब आप तंत्र विशारद होते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? मैंने बोला कि लोगों की मदद करना, ज्ञान प्राप्ति करना, ऊर्जा प्राप्त करना। उन्होंने बोला इसके अलावा? तो मैंने बोला इसके अलावा मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि इस पूरे तांत्रोत्तर विधि से मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि जब एक तांत्रिक ध्यान करता है, जिसके चक्रों में चेतना हो, ऐसा व्यक्ति जब ध्यान करता है, तो वो ब्रह्मांड पृथ्वी और पाताल के बीच में एक रास्ता बनाता है। तो जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा उसके मस्तिष्क में आती है, वो उसके रूट चक्र से होते हुए पाताल में समाहित हो जाती है। ये वो समय होता है जब एक तांत्रिक और एक औघड़ या एक साधक, उनको ये आना चाहिए कि ये जो आत्माएं हैं इनको अपने में समाहित करके
और इनको ये जो जन्म का बंधन है इससे मुक्त कर दे। तो वो जो औरत है वो आई थी उसी तांत्रिक के साथ, लेकिन वो ठहर गई क्योंकि उसको लगा कि यहां से मेरा मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। और बाद में जो एक बालक आया वो भी उसी औरत के साथ प्रवेश कर गया, क्योंकि वो पहले प्रवेश कर चुकी थी इसीलिए उसके लिए बंधन नहीं था। वो उसने जब प्रवेश किया था तो वो उस तांत्रिक पर सवार थी और तांत्रिक को घर में आने की अनुमति मैंने दे रखी थी, ठीक है। और वो जो बच्चा था, तो जब आप एक बंधन करते हैं तो आप बंधन करते हैं कि कोई भी निम्न स्तर की शक्तियां या आपको कष्ट देने वाली शक्तियां आपके घर में प्रवेश ना करें, तभी ना देव शक्तियां प्रवेश कर पाती। तो वो बालक इसलिए प्रवेश कर पाया क्योंकि वो न कष्ट देने वाला था ना निम्न स्तर का था। लेकिन दोनों को क्या चाहिए था? दोनों को चाहिए था कि मैं अपने ध्यान तंत्र से उनको इस कष्ट जो वो मृत्यु परांत सह रहे थे उससे उनको मुक्ति दिलवा दूं। विषय समझा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसको किस तरीके से किया जाता है। दूसरे दिन फिर घटना फिर से हुई और वो औरत और वो बालक फिर मुझे दिखे। जो प्रक्रिया बताई गई थी वो प्रक्रिया मैंने किया और मुझे आभास हुआ कि अब मेरा कमरा जो है वो खाली हो चुका है। दूसरे दिन फिर श्मशान गए और जो गुरु जी थे उन्होंने मुझसे क्रिया करवाई ताकि ये मुझे रोज रोज ना करना पड़े, मैं एक चैनल पॉइंट बन के ना रह जाऊँ। तो उन्होंने एक क्रिया करवाई जिससे कि एक बंधन ऐसा हुआ कि सबको ये पता ना लगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ उनके लिए, वरना सारी आत्माएं आती हैं अच्छे अच्छे साधकों के पास, अच्छे अच्छे तांत्रिकों के पास आती हैं। जो मुक्त होने वाले उनको मुक्त कर दिया जाता है, जो फिर से जन्म लेने वाले तो उनको कोख दिलवा दिया जाता है, और जो रुकने वाले हैं उनको रोक के उनसे काम कराया जाता है। तो ये एक ऐसी कहानी हुई मेरे साथ जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि तंत्र में आप सिर्फ इस लोक का नहीं दूसरे लोक का भी बहुत उद्धार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। नंबर है 9431188585। इसमें हम आसन बंधन और साधना के जो शुरुआती आयाम हैं उनको आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं साधक के जीवन कैसा होना चाहिए, आपको ये भी बताते हैं। मेरे द्वारा लिखे गए लेख और साधकों के विचार पढ़ने के लिए www.aghorsatrahasya.com पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से। मैं rudranath@cm4 सर्च करूँगा, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। महादेव महाकाली महाभैरव आपकी रक्षा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश आला खारिश।